हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक करते हैं साइंस का विथ न्यूमेरिकल। कुछ न्यूमेरिकल रहेगा और कुछ थ्योरेटिकल रहेगा। JSSC CGL को टारगेट करते हुए हम लोग क्लास चलते हैं। JSSC वाला यूट्यूब चैनल का खासियत यही है कि कोई भी काम करता तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस काम करता, ठीक है। इसमें कोई लोभ लालच नहीं है कि व्यू बनाने के लिए कुछ भी बना देता, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। हम लोग टारगेट फोकस है सचिवालय JSSC CGL, एक सीट लेना है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। चाहे जो भी कुछ भी करना पड़े, सिलेबस के अकॉर्डिंग काम करना, ठीक है। इसलिए यदि आपको लगता है कि यदि आपको एक सीट लेना है JSSC CGL में, तो हमारा वीडियो जितना भी डालते हैं JSSC CGL का टॉपिक जरूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिलेबस होता है। आप लोग देख उतने दिन से देख रहे तो आपको लग भी गया होगा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यदि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग काम कीजिएगा तो सिलेक्शन क्यों नहीं होगा दोस्तों, आराम से होगा। तो आपको यदि हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो झारखंड GK, सेंट्रल GK और साइंस, ये तीनों पोर्शन में दिक्कत नहीं होगा। आप अच्छा खासा स्कोर कर पाइएगा, देख लीजिएगा आप लोग एग्जाम आएगा तब, ठीक है। लगभग 90, 40, 30, 70, 20, 90 क्वेश्चन, 90 या 270 नंबर का दोस्तों मजाक, ये नंबर मजाक नहीं है, ठीक। 270 नंबर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बोलते हैं। आप लोग मानते हैं कि आप लोग बहुत बड़े बड़े चैनलों में साथ जुड़े हुए हैं, पैसा दे के 1500-2000 रुपये दे के पूरा थ्योरी टाइप क्लास करते हैं, लेकिन जो क्लास यहाँ आपको मिलने वाला, जो फ्रूटफुल क्लास यहाँ पे मिलेगा ना, वो शायद कोई चैनल में नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है। शॉर्ट वीडियो अकॉर्डिंग टू सिलेबस काफ़ी मायने रखेगा आपको। अभी पता नहीं चलेगा, अभी लग रहा है बस ऐसे ही कुछ बोले जा रहा है, लेकिन पता चलेगा एग्जाम जब होगा तब, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं कि यदि आप एक सिलेक्शन चाहिए, यदि हमारे वीडियो डेली देखते हैं तो यकीन मानिए आप अपना सीट एक कन्फर्म करते जाने धीरे धीरे। स्लो एंड स्टडी विन द रेस, अपना अपने एक बूंद 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 करके अपना घड़ा भरते जा रहे, ठीक है। चलिए तो चलिए फिर देखते हैं साइंस का पोर्शन हम लोग करते हैं। 60 में 60 लाना है जनरल साइंस पोर्शन में, मतलब 20 क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर का, तो 60 में 60 लाने की कोशिश करना हमको साइंस पोर्शन घटना चक्र, ठीक है दोस्तों। चलिए ज़्यादा लेट लंबन नहीं करते हैं, वीडियो को करते हैं क्लास को स्टार्ट। और बस आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का SI मात्रक है? SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर कौन सा है? तो केल्विन है। कौन सा? केल्विन है। देखिए दोस्तों, एक रिलेशन बताए थे, यदि मान लीजिए 25 डिग्री, मान लीजिए एग्जाम्पल 25 डिग्री सेंटीग्रेड C में दिया हुआ, ठीक है। यदि केल्विन में निकालना तो क्या करते हैं हम लोग, 273 ऐड कर देते हैं, यही नहीं करते हैं 273, इस तो आसान है, सबको पता था यहाँ केल्विन आता है, ठीक है। यदि सेल्सियस में दिया और फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो कन्फ्यूज हो जाएगा, तो इसलिए रिलेशन आपको बार बार बताते हैं आपको, जो कि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बनने को काफ़ी चांस है इस न्यूमेरिकल, इस फॉर्मूला से। फ़ारेनहाइट में निकालना है तो 9/5 C + 32, ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है। 9/5 C + 32, मतलब सी में दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट में चाहिए, तो ये रिलेशन लगाइए, यहाँ से न्यूमेरिकल बनेगा तो निकाल लीजिएगा आप लोग, ठीक। चलिए, जब किसी पिंड को वेग दुगुना कर दिया जाता है तो क्या होता है? व्हेन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी डबल, वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम है, वेलोसिटी के बीच है, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, यही होता है। तो यदि इसका बोल रहा है कि वेलोसिटी डबल कर देंगे तो मोमेंटम भी डबल हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसका आंसर सी हो जाएगा। मटेरियल यूज डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, वे पदार्थ जो बिजली का गुजरने नहीं देता उसको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। और जो गुजरने देता है उसको कंडक्टर बोलते हैं, और जो 50-50 उसे सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो जो इसका आंसर बी हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या है बताना है? चुंबकीय क्षेत्र क्या है? अदिश राशि है, सदिश राशि है, आया महीन राशि कौन सा? स्केलर, वेक्टर, डायमेंशनलेस, तो कौन से है? तो आपको याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। सदिश राशि, सदिश राशि क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, इसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। इसका आंसर की 4 का B हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? गुड कंडक्टर कौन सा है? आयरन इज द गुड कंडक्टर। चलिए, एक कण A से M तक एक सीधी रेखा में 8 मीटर पर सेकंड से वेग से, और M से A से M 8 मीटर पर सेकंड से, फिर M से A जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि पूरी यात्रा के दौरान पूरी की ये तो पूरी यात्रा के लिए औसत वेग क्या होगा, आपको बताना है, एवरेज वेलोसिटी बताना है होल जर्नी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यही होता है। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए, यहाँ A से M गया, फिर M से A आ गया, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना? 0 हो गया, क्योंकि जहाँ गया फिर वहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। देखिए, एवरेज स्पीड बोलेगा दोस्तों तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एवरेज वेलोसिटी बोल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा, बस ये चीज़ कन्फ्यूज मत होइएगा। एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड बोलेगा तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 0 नहीं होता, डिस्टेंस मतलब 2 हो जाता है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से तक 2 टाइम्स हो जाता है डिस्टेंस। तो ये चीज़ कन्फ्यूजन मत होइएगा, जल्दी एग्जाम में गलती मत कीजिएगा जल्दीबाजी में, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, टाइम दिया हुआ कितना, टाइम कुछ भी हो तो 0 मतलब 0 0, आंसर इसका आंसर डी हो जाएगा। इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर, उत्तल गोलीय दर्पण से बनने वाली कैसा होता है बताइए?
कन्वेक्स है, वर्चुअल होता है, वर्चुअल और डिमिनिस्ट, छोटा डिमिनिस्ट, वर्चुअल एंड डिमिनिस्ट बनता है, इन बनता है। और कनकेव बोल देगा तो दोनों बनता है, वर्चुअली रियल दोनों बनता है, ठीक है, वर्चुअली इन्वर्टेड। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेज डबल द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाती है तो क्या होता है? के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर एन होता है, सॉरी एम वन एन टू, यहाँ पे एम वन एम टू, फोर्स का भी ऐसे ही होता है, तो एम के एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या बोला, डिस्टेंस बिटवीन जो बोला डबल का टू मास, देखिए दोनों के बीच में जो है ये यहाँ मास है एम वन, यहाँ मास है एम टू, ये दोनों के बीच में जो डबल कर दिया था यहाँ अपन आर एस कर होगा, तब फोर चैम रिड्यूस हो जाएगा, देख सकते हैं, क्वार्टर घटा के चौथाई तक रूप में जाएगा, देख समझ सकते हैं, आर का क्या किया डबल, डबल हो गया ये, तो कितना हो जाएगा ये, चलिए तो दो दुनी चार स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब घटा का एक चौथाई कर दिया जाता है। तो रिजल्ट आपको याद रखना है के एम वन एम टू अपन आर स्क्वायर। जी का मान बताना पोल्स पे, तो पोल पे मैक्सिमम होता है बता चुके हैं, और मिनिमम कहाँ पे होता है इक्वेटर पर, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए एक सर्किट में विद्युत आवेश प्रवाह की मात्रा क्या होगी जब बिजली के बल्ब के फिलामेंट द्वारा 5 मिनट के लिए इतना करंट खींचा जाता है? तो क्या होगा बताइए, आसान सा क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फ्लो निकालना है, इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होगा, तो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है आई टी होता है, आई टी मतलब करंट कितना है 0.75, और कितना टाइम है 5 मिनट इंटू सेकेंड में कर दीजिए 60, तो कितना आएगा जिसको कैलकुलेट कीजिएगा, देखिए यहाँ मिनट में दिया हो तो इसको सेकेंड में करना है, तो ये जाएगा 225 हो जाएगा कूलम। कौन सा सही नहीं है, आपको कल बता चुके थे, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पहला, दूसरा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा वी स्क्वायर इज इक्वल माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। तो बोला कौन नहीं है, सो बोल इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वी इक्वल यू ये है, ये भी है, ये क्यू वाला नहीं है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना तीनों। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी कौन नहीं है, तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, फोर्स भी है, डिस्टेंस नहीं है, ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 20 किलो का एक शरीर आराम से पड़ा है, ठीक है, एक निरंतर बल की कार्रवाई के तहत या 7 मीटर सेकेंड गति प्राप्त करता है, तो इसका बल्ब क्या होगा, एनर्जी हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कितना होता है हाफ एम बी स्क्वायर, ये नहीं होता है हाफ एम कितना दिया हुआ 20, वी स्क्वायर कितना देगा 47 49, ये नहीं होगा, काट देंगे यहाँ 10 हो जाएगा, तो 490 जूल इधर राइट आंसर है फर्स्ट। एसआई यूनिट प्रेशर बताना है, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर दाब का एसआई मात्रा क्या होता है, तो क्या होता है पास्कल होता है, ठीक है पास्कल होता है, पास्कल का और क्या लिखते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, घुमा सकता है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल बोलते हैं, यदि इसको और घुमाना पड़ेगा तो क्या घुमा देगा केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे घुमा सकता है, और डीप में जाना पड़ेगा तो इसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग जूल पर मीटर क्यू, तो ये सब इसी का प्रेशर का है, ठीक अलग अलग जैसा क्वेश्चन लेवल एग्जामर जैसा क्वेश्चन बनाना चाहे टफ करना चाहे तो ये दे देगा जूल पर मीटर क्यूब दे देगा, फंस जाएगा, आपको याद है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो यहाँ से फंस सकते हैं, तीनों दिमाग में रखिएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर और जूल पर मीटर क्यूब, ठीक है, तो इसका पाल का डाइन किसका दोस्तों बताइए, तो डाइन किसका फोर्स का, ये फोर्स का ये क्या ये फोर्स का सीजीएस यूनिट है, ठीक है न्यूटन फोर्स का एसआई यूनिट है, तो फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन है और सीजीएस यूनिट डाइन है, ठीक है इसका आंसर ए हो जाएगा। इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज, और दोस्तों इसका डायमेंशन भी देख सकते हैं आप लोग, प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन एम एल माइनस वन टी माइनस टू, प्रेशर का ये डायमेंशन होता है, ठीक है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू कैसे निकालता है आपको बताइए, वो शायद प्रेशर क्या होता है फोर्स अपन एरिया, फोर्स अपन एरिया यही ना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन फोर्स का क्या यूनिट एम एल टी माइनस टू यही ना होता है फोर्स का, ये भी याद रखना है आपको, फोर्स क्या होता है अपन एल स्क्वायर मीटर स्क्वायर, यहाँ से एक एल यहाँ से एल कट जाएगा तो इसे क्या आएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, यहाँ से आ रहा नहीं चीज़ प्रेशर, तो ऐसे निकाला जाता है ऐसे, हालांकि नहीं आ रहा तो बता दीजिए कमेंट करवा देंगे सब चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी डबल काइनेटिक एनर्जी क्या होएगा, आसान है हाफ एम बी स्क्वायर, वेलोसिटी डबल कर दिया तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा बिकम 4 टाइम्स। चलिए तो दोस्तों हो गया आज का हम लोग का, अभी थोड़ा क्लास स्लो चल रहा है दोस्तों क्योंकि अभी जेईई वाला एग्जाम है तो उसमें अभी बिजी है क्वेश्चन करवाने में, अभी जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल का और करवा रहे हैं, सिविल वगैरह का करवा रहे हैं,
और जैसे ही छठ पूजा खत्म होता है उसके बाद हम लोग फिर से रफ्तार पकड़ेंगे जैसे जैसे सीजल को लेते हुए, ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं, बाकी आप लोग अभी छुट्टी छाटी मना रहे, घर वगैरह गए तो मन नहीं कर रहा होगा पढ़ने में, इसलिए छोटा छोटा क्लास अभी कर रहे हैं, ठीक है। ये जैसे दिवाली वगैरह खत्म हो जाता है छठ पूजा, उसके बाद हम लोग स्पीड कर पकड़ेंगे, धनाधन क्लास चलाएंगे एकदम, ये मज़ा आ जाएगा क्लास देख के आपको, ठीक है। बस आपको करना नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए जितना जल्दी हो सके, तो ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।